Hi guys, I did not know the meaning about that word which I used in my last vlog. I did not mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone. I apologize to each and everyone. I hope you understand. Love you all. Unquote. Yeah, yeah. या आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतन लाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा अंग्रेजी के जो शब्द हमने पढ़े हैं वो मेरे नहीं है वो हैं एक्ट्रेस ब्लॉगर टीवी एक्ट्रेस फिल्म में काम कर चुकी एडवर्टीजमेंट में देश दुनिया के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट पे आ चुकी विकिपीडिया में उनके बारे में आप जाके देख सकते हैं एक लाख पंद्रह हजार सात सौ ट्विटर पे उनको उनके फॉलोअर हैं और डॉक्टर चौधरी उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब पर एक लाख पच्चीस हजार उनके फॉलोअर हैं विकिपीडिया में उनका नाम है और उनका नाम है युविका चौधरी अब जरा देखिए कि उन्होंने जो वीडियो डाला है और जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी है जरा देखिए वो वीडियो ये देखिए हमेशा ब्लॉग जब भी मैं बनाती हूं मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आगे मुझे लाग इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूंगा अब आइए एक रूल ऑफ लॉ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा खाली इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज नॉट नोइंग लॉ इज हार्मफुल अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझा दूं। ये हैं कौन ओम शांति ओम फिल्म में काम कर चुकी हैं। समर 2007 में काम कर चुकी हैं। ये पंजाबी हिंदी और कन्नड़ फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभा चुकी है विकीपीडिया पे जाएंगे सारा डिटेल्स मिलेगा पेप्सी कोका कोला कोका कोला के एड में आ चुके हैं कलर टीवी बिग बॉस नच बलिए जी सिनेमा स्टार खोज आ, आ, की हैं और तमाम इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं बड़े बड़े उस दुनिया में रहती हैं अभी हमारे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था कि जिसमें सब लोग अपने पुराने ट्वीट वगैरह जो सेलिब्रिटीज़ थे वो डिलीट कर रहे थे कि इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ लोग इस देश के बहुजन जमात को स्पेशली एस सी को इस तरीके से उस पर जोक्स बनाते हैं गाली देते हैं कुछ मजाक करते हैं जो मर्जी आए उसको बोलते हैं और ये मैं आपको बता दूं कि युविका चौधरी कोई अमेरिका की नहीं है ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनको ये पता ही नहीं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है कैन यू इमेजिन कि बिहार उत्तर प्रदेश और चाहे भारत में कहीं भी वो व्यक्ति हो और उसको ये पता ही नहीं होगी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है चौधरी मैडम आपने क्यों लिखा है चौधरी का क्या मीनिंग है नहीं पता है युविका का क्या मीनिंग है नहीं पता है और मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें चाहे सीमा सिंह हो आईआईटी के चाहे मुनमुन दत्ता हो चाहे कौशल किशोर मिश्रा और दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं ज्यादा फ्रंट पे आ रही हैं इस तरह के कास्टिस्ट रिमार्क करने के लिए कि सब मैं बार बार कह रहा हूं कि यह संकेत है यह पूरी व्यवस्था का पार्ट है लोग इसी व्यवस्था में रहते हैं जीते हैं और इस तरह की जो ट्रेंड है यह नहीं कि माफी मांग लिया और हो गई बात सीमा सिंह पर एफआईआर दर्ज हो चुका है आप यह बताइए कल हो के इस देश की जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हो, बहुजन जमात के लोग खड़े होकर इसी तरीके से आपको भी कुछ बोले ऊंची जातियों को लोग को कुछ बोले उनको गाली दे भद्दा मजाक करे और बोले कि सॉरी मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता था आप उसको छोड़ देंगी आप उसको छोड़ देंगे क्या करेंगे आप जब कुछ नहीं कहते हैं तो वैसे कमजोर लोगों को कर्नाटक में अभी हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर ने थाने में उसको पेशाब पिलवाया नंगा घुमाया जाता है सामूहिक बलात्कार होता है अनुष्ठानिक हत्याएं होती है हाथरस में नहीं देखा आपने ये तमाम घटनाएं लगातार घट रही हैं और सेलिब्रिटीज और ये लोग चाहते हैं चाहते हैं कि इस तरह की बात बोलें मजाक करें और सिर्फ ट्विटर पे फेसबुक पे यूट्यूब बनाकर माफी मांग लें उनको माफ कर दिया जाए ये तय आपको करना आपको इतना ही अगर शौक नहीं पता था इस शब्द का मतलब तो क्या आप ये प्रॉमिस कर सकती हैं कि आपके घर में जो बच्चा जन्मेगा जन्म लेगा अगर लड़का हुआ तो सौरी भंगी नाम रखना और लड़की हुई तो सौरी भंगनी नाम रखना ये करेंगी आप कमिट कीजिए लोगों से तो ऐसे लोग इस समाज के नासूर हैं जो समाज में वनस् पैदा करते कहने के लिए सेलिब्रिटी हैं लेकिन इनके माथे में क्या भरा हुआ है ये सब जानते हैं हम जानते हैं पढ़े लिखे लोग सिनेमा जगत के लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग किस माइंडसेट से ये मैं गुस्से में ये वीडियो बना रहा हूं हाउ डेयर यू युवका तुम्हें पता नहीं है अभी कि ट्विटर फेसबुक पे और यूट्यूब पे क्या चला है सीमा सिंह को लेकर कौशल किशोर मिश्रा को लेकर मुनमुम दत्ता को लेकर अगर नहीं पता है तो आप सिने जगत और सेलिब्रिटी की दुनिया छोड़ दीजिए अखबार नहीं पढ़ती है एक लाख पंद्रह हजार अगर ट्विटर पे आपके फॉलोअर हैं तो आपको नहीं पता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है देश दुनिया में कैसे लोग रह रहे हैं ऐसे लोग सरासर बहुजन जमात का अपमान करते हैं और सॉरी बोलकर छूट जाना चाहते हैं भाग जाना चाहते हैं इनके ऊपर एफ होना चाहिए और कानून के मुताबिक के तहत एस सी एक्ट के तहत मुकदमा डाल के इनके ऊपर प्रोसीडिंग चलाना चाहिए यही नहीं मैं बहुजन जमात से अपील करना चाह रहा हूं कि ऐसे जातिवादी और कुंठित मानसिकता के जो कलाकार हैं जो सेलिब्रिटी हैं, उनके टीवी सीरियल ना देखें उनके फिल्म नहीं देखें जिस भी प्रोडक्ट में वो आ रहे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदे और साथ साथ मैं सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक और ये यूट्यूब और तमाम ऐसे जो मिन्स हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का अकाउंट तुरंत सस्पेंड करें और परमानेंटली सस्पेंड करें क्योंकि ये लोग आप ही के साधनों का इस्तेमाल करके पूरे देश में जहर उगल रहे हैं बहुसंख्यक जमात को अपमानित कर रहे हैं और सामाजिक तनाव को बढ़ा रहे हैं ये ये मेरी अपील है और खास तौर से आज मैं बहुत गुस्से में अपील कर रहा हूं लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये लोग माफी मांग लेते हैं सॉरी लव यू नो सॉरी नो लव यू मा की ओर से ऐसे सेलिब्रिटीज जातिवादी सेलिब्रिटीज हैं और इंटेलेक्चुअल हैं उनको चेतावनी है और यह चेतावनी को आप गंभीरता से लीजिएगा आपके खिलाफ देश भर में कैंपेन चलाएंगे और आपके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको भी टैग करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि ऐसे लोगों को काम ना दिया जाए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा इस वीडियो को वायरल कीजिए और घर घर में पहुंचाइए शुक्रिया